हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे जहां पर भी होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फुल कट क्रिजाई मेकअप। सो स्टार्ट करते हैं गाइज आज की वीडियो। सो फर्स्ट मैं यहां पे यूज़ कर रही हूँ रॉयल ब्लू शेड और पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं इसे क्रीज एरिया में अप्लाई कर रही हूँ। सेम इसी तरह से हम सेकंड आई पे भी कलर अप्लाई करेंगे। री एप्लीकेशन करेंगे ताकि हमारे कलर पॉप आउट हो। लाइट ब्लू कलर के साथ एजेस को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अभी हम शार्प कट क्रीज करेंगे जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। सेम इसी टेक्निक से हम सेकंड आई पे भी कट क्रीज करेंगे। अभी मैं आउटर कॉर्नर पे भी सेम रॉयल ब्लू शेड अप्लाई कर रही हूँ। सेम शेड को हम लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करेंगे। और इनर कॉर्नर से हम दोनों कलर्स को अच्छे से मिला देंगे। कंसीलर की हेल्प से हम इनर कॉर्नर को शार्प लुक देंगे। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्राउन कलर और इसे अपर लैश लाइन के साथ साथ ब्लेंड करते हुए हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। सेम इसी तरह से हम सेकंड आई पे भी कलर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ येलो शेड एंड इसे हम ब्राउन कलर के ऊपर अप्लाई करेंगे और दोनों कलर को अच्छे से मर्ज कर लेंगे। सेम येलो कलर को मैं लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। अभी गोल्डन सैटिन शेड में यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं फुल हाईलाइट पर अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लिक्विड आईलाइनर एंड बोल्ड आईलाइनर अप्लाई करेंगे।
नेक्स्ट नोज को कंटूर करेंगे एंड देन हाईलाइट करेंगे। फेक लैशेज अप्लाई करके इस आई लुक को कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।